हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका एक बार फिर से आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में। टुडे वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर 5, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, यानी पदार्थों का पृथक्करण। इसमें पढ़ेंगे पृथक्करण का मतलब होता है सेपरेशन, और का मतलब होता है पृथक्करण, और मतलब अलग अलग करना। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे, लिखा है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। इन नेचर ओनली ए फ्यू सब्सटेंस अकर इन प्योर फॉर्म। प्रकृति में कुछ ही पदार्थ हैं जो अपने शुद्ध रूप में पाए जाते हैं। ए प्योर सब्सटेंस इज वन विच मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ सब्सटेंस। हम प्योर पदार्थ उसी को कहते हैं जो एक ही प्रकार के पदार्थ से बना हो, जो एक ही प्रकार के पदार्थ से बना हो, उसी को हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। इट इज डिफाइंड एंड वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी एंड हैज सेम कंपोजिशन थ्रू आउट मोस्ट ऑफ सब्सटेंस। क्या है साइंस का मतलब? ये होता है कि साइंस में प्योर सब्सटेंस का मतलब ये होता है कि जो चीज एक ही पदार्थ से बनी हो। ठीक है, तो ये आपने पता लग गया कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे मिक्सचर, यानी मिश्रण बोलते हैं हिंदी में इसको। ठीक है, सब्सटेंस विच आर कंपोज्ड टू और मोर सब्सटेंस इन एनी प्रोपोर्शन आर कॉल्ड मिक्सचर। दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर मिलकर मिक्सचर बनता है। कम से कम मिक्सचर बनाने के लिए आपके पास दो या दो से अधिक पदार्थ होने चाहिए, तब दोनों को मिक्स करते हैं तो तब मिक्सचर बनता है। वेरियस सब्सटेंस प्रेजेंट इन मिक्सचर आर कॉल्ड कंपोनेंट कंस्टिट्यूट। जो जो सब्सटेंस, जो जो पदार्थ या जो जो चीजें उसमें डाली जाती है मिक्सचर बनाने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? कंपोनेंट बोलते हैं, यानी घटक बोलते हैं। जो जो चीजें उसमें डाली जाती है ना मिक्सचर बनाने के लिए, तो उसको हम घटक बोलते हैं, उन चीजों को, साइंस की लैंग्वेज में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इन ए मिक्सचर कंटेनिंग शुगर सैंड, शुगर एंड सैंड। आपने कोई मिक्सचर बना लिया शुगर और सैंड का, यानी चीनी और रेत का, और चीनी और रेत का, या चीनी या नमक का कोई भी मिक्सचर बना लिया, तो उसमें चीनी और नमक क्या है? चीनी और नमक को दो चीज़ें हैं ना, तो इन चीज़ों को हम क्या कहेंगे? घटक कहेंगे या फिर कंस्टिट्यूट कहेंगे, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो इसमें चीनी और नमक क्या हो गया? चीनी और रेत क्या हो गई? घटक हो गई इसके। इन एनी मिक्सचर, कोई भी मिक्सचर, कोई भी मिश्रण, ईच कंपोनेंट रिटेन इट्स यूनिक प्रॉपर्टी। कोई भी मिक्सचर बनाते हैं पर उसमें जो जो चीज़ें डाल जाती है उसकी अपनी अपनी खास विशेषता होती है, प्रॉपर्टी होती है उसकी, खास प्रॉपर्टी मतलब विशेषताएं होती है। जब उसमें कंपोनेंट डाला जाता है ना, कोई घटक डाला जाता है, तो उसकी अपनी, वो अपनी एक अलग प्रॉपर्टी भी रखता है। देखो, मिक्सचर किसी भी प्रकार का हो सकता है। मिक्सचर में भी सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है। तो मिश्रण है वो ठोस, द्रव और गैस हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है वो। ऑल मिक्सचर कैन ब्रॉडली डिवाइड इंटू टू कैटेगरी। मुख्य रूप से मिश्रण को दो भागों में बांटा जाता है, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब है विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। मिक्सचर इन विच पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट कैन बी सीन इजली आर कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हमने कोई भी मिक्सचर बनाया, दो चीज़ें मिला ली, पर उन दोनों चीज़ों को हम उस मिक्सचर में देख पाते हैं अलग अलग आसानी से, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस। जैसे आपने क्या किया, पानी लिया और उसमें चौक का पाउडर मिला दिया, या फिर चौक मिला दिया। तो चौक को पानी में मिलाते हैं तो चौक और पानी अलग अलग दिखते हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो चौक आपको अलग दिखाई देगा, पानी आपको अलग दिखाई देगा। तो इसी प्रकार आपने कोई और कुछ किया, पानी में रेत डाल दी, क्या किया? रेत, रेत को भी पानी में डाल देते हैं, तो रेत के कण भी छोटे 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 उसको आपको पानी में दिखाई देंगे, कि आपको रेत के कण आपको दिखाई देंगे। तो और आपने क्या किया, रेत, और एक एग्जाम्पल वो दे रखा है आयरन फिलिंग और सेंड वाला, ये भी अच्छा है कि आयरन, सैंड तो होती है रेत, और आयरन फिलिंग होती है
लोहे का चूर्ण, क्या किया, लोहे का जो चूर्ण होता है उसको रेत को मिला लिए, तो आप उसमें भी देखें तो लोहे अलग दिखाई देगा आपको और रेत अलग दिखाई देगी, तो मतलब आप दोनों चीज़ों को देख पाते हो आसानी से, तो वो होता है हेटरोजीनियस मिश्रण, मतलब पूरी तरह से मिक्स नहीं होते, हमें पता चल जाता है देखने से कि क्या क्या मिला है। जैसे एक एग्जाम्पल और, जैसे चीनी और नमक को मिला रहे तो चीनी अलग दिखाई देगी आपको, नमक भी अलग दिखाई देगा, क्योंकि चीनी थोड़ी बड़ी होती है, नमक छोटा होता है, तो आप उसमें भी पहचान सकते हो कि चीनी नमक क्या, तो आसानी से देख पाते हो। तो ये होता है हेटरोजीनियस। तो होमोजीनियस क्या होता है, मिक्सचर इन विच पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट कैन नॉट बी सीन, जिसमें हम पार्टिकल को देख नहीं पाते बिल्कुल भी, ठीक है, उसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे पानी में आपने शरबत डाल दिया, क्या डाल दिया पानी में, शरबत डाल दिया, तो शरबत और पानी का फिर पता नहीं चलता, सारा पानी ही क्या हो जाता है, शरबत के कलर का हो जाता है, तो आप उसमें शरबत आपको दिखाई नहीं देगा कि अलग अलग शरबत के कण आपको दिखाई नहीं देंगे, शरबत आपको दिखाई नहीं देगा, पूरा पानी ही एक जैसा लगेगा आपको, ठीक है। उसी प्रकार पानी में आप लेमन जूस मिला देते हो तो लेमन जूस भी आपको एक बार तो दिखाई देता है ऊपर ऊपर, पर आप उसको मिक्स कर देते हो, घोल देते हो, तो घोलने के बाद क्या होता है, वो लेमन जूस भी आपको दिखाई नहीं देता, पूरा का पूरा उसमें घुल जाता है। तो ये भी एक होमोजीनियस है, ठीक है। इसमें एग्जांपल देख लेते हैं कौन सा दिया हुआ है। हाँ, इसमें ये दिया है कि शुगर साल्ट एंड वाटर, आपने क्या शुगर डाल ली, साल्ट डाल दिया और पानी में घोल दिया, तो कुछ देर घुलने के बाद पानी में पूरे तरह से घुल जाते हैं, फिर पता नहीं चलता, फिर आपको चीनी तैरती हुई दिखाई नहीं देगी अलग से कि ये चीनी के कण है, ये नमक के कण है, ये पानी है, फिर आप कुछ दिखाई नहीं देगा, फिर पूरा ही मिक्स हो जाता है। तो ये होता है होमोजीनियस मिक्सचर, मतलब जिसमें हम पार्टिकल देख नहीं पाते। और ऐसे कोल्ड ड्रिंक होती है, जो भी है शीतल पेय कोल्ड ड्रिंक होती है, वो ये होता है, उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिली होती है, चीनी मिली होती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है, तो वो भी आपको दिखाई नहीं देती कि कार्बन डाइऑक्साइड आपको दिख रही है उसमें, पानी दिख रहा है कि चीनी दिख रही है कि कैफीन दिख रहा है, कुछ भी जो उसमें मिला होता है वो आपको दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो सिरप होती है पीने की दवाई, जैसे खांसी की दवाई होती है उसको सिरप बोलते हैं, ठीक है। और भी जो पीने की दवाई है उसमें भी आपको अलग अलग कण दिखाई नहीं देते, और एयर, एयर की बात कर रहे हैं, प्योर एयर की बात की यहाँ पे, तो वो भी आपको एक जैसी दिखाई देती है। तो आप ये पढ़ लें, दोनों की डेफिनेशन याद कर लें क्या होती है, और कल हम ये कर लेंगे कि पदार्थों को अलग अलग करने की जरूरत पड़ती क्यों है, ये पढ़ेंगे। थैंक यू।